चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों भारत की करारी हार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के साथ फाइनल मुकाबले में जो शर्मसार करने वाली हार मिली, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं कोहली और टीम के पूर्व कोच अनिल कुंबले और कोहली का झगड़ा भी है। जी हाँ, बताया जा रहा कि टीम मीटिंग में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने पर सहमति बनी थी, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने बीच मैदान में सिक्का अपने पक्ष में गिरते ही अचानक गेंदबाजी का फैसला लिया। कोहली का ये फैसला सुनते ही कोच अनिल कुंबले हैरान रह गए। टॉस के बाद जब विराट कोहली वापस ड्रेसिंग रूम में आए तो अनिल कुंबले ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो विराट ने कुछ ढंग से जवाब नहीं दिया, जिसके बाद से ही मैच शुरू होने से पूर्व ही टीम का माहौल बिगड़ गया और भारत को पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक 180 रनों की हार झेलनी पड़ी। दरअसल लीग मैच में जब भारत पाकिस्तान से भिड़ा था तो उसने 319 रन बनाए थे और पाकिस्तानी टीम दबाव में आ गई थी और मात्र 164 पर ऑल आउट हो गई थी। ये देखकर टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया था, लेकिन विराट के फैसले से हर कोई हैरान था। इसी बीच ये भी खबर आई कि कुंबले और कप्तान विराट कोहली के बीच मतभेद इतने गहरे थे तो कि दोनों के बीच पिछले कुछ समय से नहीं बल्कि पूरे 6 महीने से बातचीत बंद थी। बीसीसीआई ने दोनों के बीच विवाद खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो बेअसर रहा और कुंबले को जाना पड़ा। विराट और कुंबले के इसी झगड़े की वजह से सही समय पर निर्णय नहीं हो पाया और भारत को पाकिस्तान जैसे देश से भी हार का मुंह देखना पड़ा। टीम इंडिलिंग्स।